नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल से। दोस्तों आज मैं यात्रा कर रहा हूँ रानी कमलापति से इंदौर तक। तो चलिए दोस्तों स्टेशन के अंदर चलते हैं और आपको की इनॉग्रल जर्नी करवाते हैं। ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है और ये हमें जो है इनॉग्रल टिकट जो है सोवेनियर टिकट जो है मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ये देखिए मेरे कुछ दोस्त। और दोस्तों ये खड़ी है हमारी नई भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि रानी कमलापति से एक नंबर प्लेटफॉर्म से आज रवाना होगी। तो अभी जो है आपको आगे वाले क्लिप्स में थोड़ा सा शोर सुनाई देगा क्योंकि प्रिपरेशंस चल रही थी। सुरक्षित यात्रा के लिए सभी कोचों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। सभी कोचों के बाहर रियर व्यू कैमरे से प्लेटफॉर्म साइड कैमरे भी लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात और अहम बात कि दिव्यांगों के माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सुनहरे कल यानी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन सेवा में यात्रा करने वाले है, उन बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। बच्चे बहुत उत्साहित है और माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों की बातें और काफी गंभीरता से सुन रही है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे माननीय प्रधानमंत्री रटर में सूर्य पूरब में बच्चों तुम्हारा देश है ये, इसके सौभाग्य तुम ही हो, इसकी प्रगति कथा के निर्भय गौरव का तुम ही हो। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत एक्सप्रेस की रेलवे क्रू स्टाफ से चर्चा कर रहे अंदर आ चुके हैं। अभी ये है एसी चेयर कार का कोच। ये हमारे शुभम भाई फोटो खिंचाते हुए। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। कैसे लगा? मैंने ये वाला जो इसका एग्जीक्यूटिव है वो ब्लू वाला है, तो देख करके ऐसा लगा मैंने चेयर कार। मैं भी फिर बाद में समझ आया कि एग्जीक्यूटिव ध्यान से नहीं, थोड़ी सी चीज अलग है। दोस्तों अभी एग्जीक्यूटिव चेयर कार में मैं आ चुका हूँ। अभी मेरा सीट नंबर है E36। मैं अभी आपको सीट दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिव चेयर कार पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कुछ मुझे गिफ्ट्स भी मिले हैं, वो उसके भी अनबॉक्सिंग अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है जो गिफ्ट्स मिले हैं, ये सोवेनियर टिकट है, इसके साथ एक कैप मिली है, एक थर्मस मिली है और दो की चेन मिले हैं, एक बैच है, एक की चेन है सॉरी। तो ये चीजें मिली है, एक पेन भी मिला था वो कहीं गिर गया मेरा। और ये पेन मिला है जो शुभम भाई ने पकड़ा हुआ है। पेन के बारे में बताना चाहूंगा, मुझे अभी जस्ट ये एहसास हुआ कि पेन काफी अच्छा पेन है क्योंकि पेन का वेट है। राजन सर आप देखिए एक बार चेक करके, पेन में वेट नॉर्मल पेन से थोड़ा ज्यादा वेट है, तो अच्छी क्वालिटी का पेन हो सकता है। बॉटल भी अच्छी क्वालिटी की है भाई, बॉटल तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं जेन्युइनली यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच। आगे मैं आपको अभी एसी चेयर कार के कोच भी दिखाता हूँ। तो चलिए एसी चेयर कार के कोच भी देख लेते हैं कैसे हैं। ये टोटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो नॉर्मली जो लाल कोच होते हैं वो है मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ड्राइस पर मौजूद है। और नॉर्मली जो रेड तरह के कोचेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोचेस होते हैं, इसमें नीले जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच हैं और रेड जो है वो एसी चेयर कार के कोच हैं। और तो ये एसी चेयर कार के कोच जो है ऐसे दिखते हैं। और ये पीएम आने से पहले ट्रायल्स हो रहे हैं कि वंदे भारत कैसे रवाना होगी। हरी झंडी दिखा दिया उसने, फ्लैग और नहीं मैं कह मैं यार रिहर्सल होगी यार। अरे रिहर्सल होगी सर, झंडी दिखा दी डीआरएम सर ने। रिहर्सल हो रही है, अभी दो घंटे पड़े हैं कम से कम। ये देखिए सामने जबलपुर वाली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है और हमारी भी अभी चल रही है। हमारी जो ट्रेन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली है, मोदी जी आ गए अभी, इसको जो है
फ्लैग दिखा के रवाना करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोदी जी का कुछ झलक मिलती है तो वो दिखाता हूँ, बने रहिए साथ में। और ये आ रहे हैं आपके सामने नरेंद्र मोदी जी। तो दो वंदे भारत इकट्ठे डिपार्ट हुई है, ये देखो जबलपुर की जाने जबलपुर को जा रही है वंदे भारत, वो दो नंबर से डिपार्ट हो रही है। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, दो वंदे भारत ट्रेनें एक साथ मिली हैं। और पहली ट्रेन अगर हम देखें तो भोपाल से जबलपुर यहाँ पर पहुँचते हैं, और दिल्ली से जिसको आना हो वो वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़े और सीधा सीधा भोपाल चला है, और भोपाल से फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़िए और आप उज्जैन पहुंचेंगे। वो तकरीबन 3 घंटे का सफर है, और ये सफर अपने आप में काफी आरामदायक सफर है। यहाँ पर अब तो अब हमारी ट्रेन जो है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अभी आपने देखा है नरेंद्र मोदी जी ने अभी जस्ट फ्लैग ऑफ किया था। मिलते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर इसका थोड़ा सा स्टॉपेज है। बैग लोड कराने के हम लोग ये जो ट्रेन है भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। यहाँ पर हमारे बैगेज जो थे वो हमें मिल चुके हैं, तो अब थोड़ी देर में ये ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, फिर आगे आने वाले स्टेशन पे आपको मिलते हैं। ट्रेन जो है भोपाल से निकल चुकी है, भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। और ये है साहिब कोसी रेड्डी, आप लोग ब्लॉग बनाए थे सर, बनारस वंदे भारत। तो जो आज का ट्रिप है वो हमारे रवि भाई और साहिब कोसी रेड्डी की वजह से पॉसिबल हो चुका है। ये है सर, आप क्या PR आई हो ना? ये भोपाल के PR आई हैं, इनकी वजह से रविंद्र लकेरा जी की वजह से हमारा ट्रिप जो है बड़ा स्मूथली पॉसिबल हो चुका है। और ये भाई ने इनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है, साहिल कोसे रेड्डी फ्रॉम मुंबई, और ये है हमारे शुभम भाई फ्रॉम दिल्ली, ये है आजाद भाई। गाड़ी अफजलगंज पहुंच गई है। अपने दूसरे हॉल्ट सीहोर रेलवे स्टेशन पर ये पहुंचने वाली है ट्रेन, हार्डली 3 या 4 किलोमीटर रह गया है। तो चलिए मैं आपको सीहोर रेलवे स्टेशन पे मिलता हूँ, और मेरे साथ है मेरे भाई। हेलो भाई, कैसे हैं? बस ठीक है। आपका नाम क्या है भाई, बता दीजिए। ईशान नाम। अच्छा, आपके चैनल का नाम क्या है? चैनल का पीके रेल वाले हैं, अभी मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ, अब यूट्यूब पे भी करता हूँ। ओके, इंस्टाग्राम पे क्या है? इंडियन रेलवे के नाम से आप इनको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। और ये हमें खाना आ चुका है, अभी सीहोर आ गया, सीहोर के बाद हम खाना जो है खाएंगे। देखिए खाना हो रहा है, और हम जो है रविंद्र सर को बाय बाय कहेंगे, जिनकी वजह से ये ट्रिप जो है पॉसिबल हो सका है। ये सामने आपके रविंद्र सर है। और ये सीहोर रेलवे स्टेशन आ चुका है, अभी दरवाजे खुलेंगे। बोलो बोलो बोलो, गेट खोलो।
और ये खुल चुके हैं दरवाजे सीहोर रेलवे स्टेशन पर। अंदर मत चढ़िए भाई, गाड़ी दरवाजा बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। सीहोर रेलवे स्टेशन पर भीड़ देख लीजिए भैया उतर जाओ। सो वी हैव अराइव्ड सीहोर, यहाँ पे एक्चुअली दरवाजे जल्दी बंद हो जाएंगे इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा। रेलवे स्टेशन पर जो है सीहोर रेलवे स्टेशन आने से पहले ही हमें जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो है सर्व कर दिया गया था। चलिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और ये देखिए सीहोर रेलवे स्टेशन पर कैसा रश है, वो देखिए आरसीएफ का आरसीएफ कोच की बनी हुई मेमू ट्रेन। सभी जो है अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहिए आपको ब्रेकफास्ट खोल के दिखाता हूँ। भोपाल की मशहूर मनोहर डेयरी से ये जो है हमें ब्रेकफास्ट आया है। देखिए ये नमकीन है, जूस है, चलो ये तो वहाँ से नहीं आया होगा। ये मिठाई है, पैटी है, कचौरी है, साथ में चॉकलेट है, काफ़ी कुछ है, अच्छा ब्रेकफास्ट है, काजू भी है। तो चलिए पहले खा लेते हैं, बाद में देखते हैं कि बाद में आपको बताता हूँ कि ये ब्रेकफास्ट कैसा है। खाना बहुत ही टेस्टी था। अब जो है चाय जो है सर्व कर दी गई है, तो खाने में काजू थे, वेज पफ था, गुलाब जामुन थी, आलू शाही और एक कचौरी थी, बहुत ही टेस्टी था। खाना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिया गया था, बहुत ही अच्छा है ये खाना अभी मिला है इनॉग्रल में, वन ऑफ द बेस्ट है। तो चलिए चाय को एंजॉय करते हैं। ये देखिए चाय उसकी चाय है। दोस्तों सुजालपुर आ चुका है, चलिए नीचे जाके देखते हैं सुजालपुर स्टेशन को। अभी काफी भीड़ है ट्रेन में घुसने की, बहुत भीड़ है। चलिए मैं आपको पहले भीड़ दिखाता हूँ। ये देखिए सुजालपुर, तो अपने तीसरे हॉल्ट सुजालपुर पर ये ट्रेन जो है पहुंच चुकी है। देखिए क्रेज देखिए लोगों में ट्रेन का। तो क्रेज बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन का। जो है अभी सुजालपुर से इंदौर की तरफ चल पड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। देखिए यहाँ पर कितना हजूम जो है उमड़ा पड़ा है, लोगों का हजूम जो है उमड़ा पड़ा है, कितनी भीड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ट्रेन में अभी जो है रश बहुत ज्यादा हो चुका है, मक्सी जंक्शन जो है आने वाला है। चलिए मैं आपको इसका अराइवल दिखाता हूँ। मक्सी जंक्शन पे 8 मिनट के लिए रुकी थी और यहाँ से अब ये ट्रेन जो है चल पड़ी है। प्रसिद्ध श्री मक्सी जी पार्श्वनाथ जैन दर्शन हेतु यहाँ उतरे। देख लिए यहाँ पर रश। We are approaching Ujjain.
जैसे अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी है तो ये जो ट्रेन है उज्जैन जंक्शन में पहुंचने वाली है। तो चलिए दोस्तों उज्जैन जंक्शन में मिलते हैं। Only after the train has come to a complete halt. तो हमारी ट्रेन जो है उज्जैन जंक्शन में पहुंच चुकी है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का हॉल्ट है, तकरीबन 2 बज गए हैं पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पर कुछ VIP भी जो है हमारे कोच में चढ़ेंगे। चलिए मैं दोस्तों अभी अंदर जाता हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे शुभम भाई, कैसी लगी ट्रेन भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाना वाना सब एकदम, खाना तो A1 था भाई। बाकी देखते हैं ये नॉर्मल रन में क्या रहता है इसके साथ। चलो शायद अब लंच मिल जाए हमें। और हाँ लंच मिलेगा अभी आपको, लंच मिलेगा। उज्जैन जंक्शन से अभी ये ट्रेन जो है चल पड़ी है। Next station is Indore. एक और कदम बढ़ाया है, क्योंकि ये स्वदेशी ट्रेन है। स्वदेशी ट्रेन यानी इसका तो आनंद ही अलग आता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फोकस कर रहे हैं कि लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने एक और कदम। दोस्तों खाना जो है आ चुका है, चलिए मैं आपको खाने की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या मिला है। तो ये रहा भोपाल इंदौर वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी का पहला लंच। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। और देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दो तरह की सब्जी है, दाल है, सब्जी है, एक गुलाब जामुन है, चावल है और हाँ और रोटी है और सब्जी है, अचार है। चलिए टेस्ट करके बताता हूँ कि आपको ये कैसा है ये। तो खाना जो है ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर लिया है। खाने की क्वालिटी अच्छी थी, बढ़िया थी। एक गुलाब जामुन भी थी वो फिनिश कर चुका हूँ। बाद में हमें ये मसाला छाछ भी मिल गई है अमूल की, और जूस का भी ऑप्शन था। पर खाना बहुत ही अच्छा था। जो वंदे भारत के स्टाफ की सर्विस है बहुत ही अच्छी थी। तो अभी थोड़ी देर में हम इंदौर पहुँचने वाले हैं। इंदौर यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली जो ट्रेन जो है इंदौर में पहुँचने वाली है। खाना खा के अभी मैं बैठा था तो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि ट्रेन जो है इंदौर पहुँचने वाली है। चलिए आपको इंदौर का अराइवल दिखाते हैं और इस यात्रा को जल्दी खत्म करते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है अब इंदौर जंक्शन में पहुँच चुकी है। इसी के साथ इस वंदे भारत की यात्रा को खत्म करते हैं। अभी बाहर निकल के मैं आपको ट्रेन दोबारा दिखाता हूँ एक बार फिर। तो दोस्तों फाइनली मैं जो हूँ अब इंदौर रेलवे स्टेशन में पहुँच गया हूँ और भोपाल इंदौर वंदे भारत की यात्रा जो है खत्म हो चुकी है। चलिए मैं आपको स्टेशन पे इसका जो है सेलिब्रेशन दिखाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।